नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 28 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ है, वो भी शिफ्ट थर्ड, जो 4:30 से 6:30 बजे वाली शिफ्ट थी, है ना, शिफ्ट थर्ड में जो करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और साइंस के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों का आज हम सटीक एनालाइज करने वाले हैं। और देखना, जो शिफ्ट वाइज आपके एग्जाम हो रहे हैं ना, उस एग्जाम में चाहे वो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का क्वेश्चन हो, या फिर साइंस का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट रूप से सेम टू सेम कॉपी होकर के दूसरे शिफ्ट में आ रहे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं। तो आपका अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, इस पूरे एनालिटिक्स को देखिएगा, और अगर आपका एग्जाम हो गया है इस शिफ्ट में तो फिर आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आपने आंसर क्या किया था, है ना। आगे बढ़ाते हैं अपने इस एनालिटिक्स को। 28 अगस्त का ये एनालिटिक्स है और ये एग्जाम टाइम जो 4:30 से 6:30 था, है ना। सबसे पहला हम देखते हैं कि साइंस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। पहला क्वेश्चन था कि औद्योगिक कारखानों से निकला वेस्ट पदार्थ क्या कहलाता है, जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट पदार्थ निकलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, है ना। उत्तर होगा आपका औद्योगिक अपशिष्ट। बहुत ही साधारण और सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। इसका हम थोड़ा सा अपने से कोशिश करेंगे कि कुछ और चीजें बताने के लिए, ठीक है ना। हाइड्रो में क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, यह एक जल व्याल निडेरिया संघ का जंतु है, है ना। हो सकता है अब की बार पूछ दे कि यह किस संघ का जंतु है, तो जल व्याल निडेरिया संघ का जंतु है। इसमें प्रजनन की जो क्रिया होती है वो अलैंगिक जनन से होती है, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गर्भावस्था के दौरान औसतन कितना वजन बढ़ता है, है ना। और गर्भावस्था के दौरान औसतन कितना वजन बढ़ता है, तो वो औसतन यानी कि समथिंग 13 kg, कितना, 13 kg जो है वो वजन बढ़ जाता है, है ना। और इसमें से देखिए, कुछ वजन तो बच्चे का होता है और कुछ वजन माँ के शरीर का भी हो जाता है, मिला करके लगभग औसतन 13 kg का बढ़ जाता है। रेडियम पदार्थ किस खनिज में पाया जाता है, जैसा कि रेडियम क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है, रेडियम क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है, और रेडियम पदार्थ किस खनिज में पाया जाता है, ये पूछा गया था, है ना। उत्तर होगा पिच ब्लेंड। आपका अगला क्वेश्चन था कि व्यापारिक फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी, है ना। अब हमारे पास एक ऑप्शन था बाजरा, है ना, एक ऑप्शन था बाजरा, बाकी तीन ऑप्शन और रहे होंगे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाजरा, यही एक व्यावसायिक फसल के श्रेणी में इसको नहीं रखा गया है। सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, है ना। सोनार आभूषण वाली सोनार नहीं, गहनों वाली सोनार नहीं, है ना। द्रव्य पदार्थों में वस्तुओं की दिशा, वेग और दूरी का मेजरमेंट करता है, ये क्या करता है, अगर कोई द्रव्य है, जैसे कि कोई हो गया आपका पानी, है ना, उस पानी में कोई वस्तु है, वो वस्तु कितना स्पीड से गति कर रही है ना, उसका, और किस वेग में गति कर रही है, किस दिशा में गति कर रही है, और उसके दूरी का मापन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोनार का प्रयोग करते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना, निमी टेक्निकल नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ये सारे क्वेश्चन वहां पर PDF के रूप में आपको मिल जाएगा, है ना। आप चाहेंगे तो दोबारा क्रॉस ओवर चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। देखिए, अगला आपका क्वेश्चन जो था साइंस के द्वारा पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र में अस्पताल को शामिल नहीं किया गया है, हॉस्पिटल को, है ना। फिर था शैवाल का जनन अंग कौन सा है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन, कितने शैवाल के जनन होते हैं, 3 होते हैं जनन अंग, कितने, कायिक होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। फिर वहीं पर था कि SO2 होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड, वायु का प्रदूषण का सूचक है, है ना, ये लाइकेन, क्या होगा इसका, लाइकेन इसका राइट आंसर होगा। आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपने क्या आंसर किया था, है ना। अगर आपका स्कोर अच्छा रहा होगा तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आ गई होगी, और अगर स्कोर अच्छा है तो आपको देखिए फिर फिजिकल के लिए जरूर बुलाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, ओडोमीटर के प्रयोग द्वारा कौन सी दूरी का मापन किया जाता है, तय की गई दूरी, जो आपकी बाइक होती है, जो आपकी कार होती है, है ना, कार हो गई, बाइक हो गई, इन गाड़ियों में देखिए ओडोमीटर लगी होती है, इसको हम स्पीडोमीटर के नाम से भी जानते हैं, ये हमेशा किलोमीटर में आपको रेंज दिखाती है, और जब आप एजेंसी से निकालते हैं ना तो ये 0 किलोमीटर के रेंज से शो होती है, और जैसे जैसे गाड़ी को आप चलाते जाते हैं वैसे वैसे वो रेंज ऐड होती जाती है, गाड़ी को स्विच ऑफ कर देने के बाद भी,
है ना, वो रेंज जीरो नहीं होती है। जैसे ही गाड़ी को स्विच ऑन करेंगे चाबी डाल करके, फिर से वो उतने पे ही आपको उसी रेंज पे ही वो शो करेगी, ठीक है ना। तो ये तय की गई दूरी को शो करती है। फिर है मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होता है, ऑक्सीजन होती है ना। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। इसके बाद क्या होगी, आयरन। निम्नलिखित विकल्पों में से माखनलाल चतुर्वेदी किसके संपादक थे, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्रताप, प्रभा और करमवीर। क्या होगा, प्रताप, प्रभा और करमवीर, ये माखनलाल चतुर्वेदी, इनको हम पंडित जी के नाम से भी जानते थे, इसीलिए पंडित जी माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से हम इनको पूरा नाम कहते हैं ना इनका। इनका जन्म देखिए, इनका जो जन्म था वो होशंगाबाद जिले के बासनी नामक स्थान पर हुआ था, है ना। फिर प्रभा और करमवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महा आंदोलन चलाया था, है ना। मोस्ट पॉइंट मैंने आपके सामने पेश किया है, यह नेक भारतीय कवि थे, लेखक थे, निबंधकार थे, नाटककार थे और एक पत्रकार थे। दोबारा सुनना, ये क्या क्या थे, एक कवि थे, लेखक थे, निबंधकार, नाटककार और एक पत्रकार थे। फिर है 1955 में इनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए उन्हें हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। और इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1968 को हुई है, है ना। ये सारी बातें याद रखिएगा, अगले शिफ्ट में काम आ सकती है, ठीक है ना। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ बेसिक बातें थी, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ना, कानपुर में। अब हमारे पास तो सिंपल से एक ही आंसर है, एक ही ऑप्शन है ना। अब आप वहाँ एग्जाम में बैठे तो आपको पता होगा कि भाई कई बार ऐसे होता है कि ए और बी दोनों सही रहता है, बी और सी दोनों सही रहता है ना। तो हमारे पास तो सिलेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ओनली वन ऑप्शन है जो राइट आंसर है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, यानी कि इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहा है, तो ये कानपुर में स्थित है। कहां पर, कानपुर में। भारतीय अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है और संस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं AICPIP के रूप में हुई है ना। ये 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान जो इंस्टीट्यूट है, ये नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया था, है ना। कहां पर इसका स्थापना किया गया था, नई दिल्ली में। और ये कहां पर ये इंस्टीट्यूट है, ये कानपुर में है, ठीक है ना। ये अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बुकर पुरस्कार जो है ना, वो 2023 किस देश के व्यक्ति को दिया गया है ना। ये किस देश के व्यक्ति को दिया गया है, ये बुल्गारिया को दिया गया है। किसको, ये बुल्गारिया को दिया गया है। और बुल्गारिया से रिलेटेड कुछ मोस्ट पॉइंट है यहां पर कि उनको यह पुरस्कार टाइम सेल्टर के लिए दिया गया था। किसके लिए, याद रखिएगा, टाइम सेल्टर के लिए दिया गया था, और जिसका अंग्रेजी अनुवाद एजेंडा रोडेल, किसके लिए, एंजेला रोडेल ने किया है। वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जॉर्जी गोस्पोंदिनोव प्रथम बुल्गोरियन लेखक बन गए, है ना। अगर आपसे यह पूछे कि प्रथम बुल्गोरियन लेखक कौन है, तो आपको क्या लिखना है कि जॉर्जी गोस्पोंदिनोव प्रथम बुल्गोरियन लेखक बन गए हैं। कब, 2023 में, यानी कि यह अभी अभी का है। यह कब का है, यह अभी अभी का है, यह सारी चीजें, है ना। फिर नेक्स्ट था कि सिल्क रूट की उत्पत्ति किस देश से हुई है। सिल्क रूट की उत्पत्ति चीन के हान राजवंश से। कहाँ के, चीन के हान राजवंश से। हान राजवंश कहाँ के हैं, ये चाइना के हैं। इसके इन पर एक पॉइंट है कि सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। फिर है कि पहले रेशम के कारवा चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर में पश्चिमी छोर जाते थे, यानी कि पहले रेशम के कारवा चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिमी छोर जाते थे। 200 साल पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासनकाल में रेशम का व्यापार करता था ये, यानी कि ये किसका व्यापार करता था, रेशम का व्यापार करता था। रहने वाला कहाँ का है, ये चाइना है, चाइनीज है। चीनी के वैज्ञानिक हान राजवंश, यानी कि ये क्या थे, एक राजवंश थे और एक वैज्ञानिक थे, यानी कि वही वैज्ञानिक थे। खगोल विज्ञान से लेकर के घड़ी बनाने तक का इन्होंने कार्य किया, यानी एक महान साइंटिस्ट थे, है ना। और हमारे दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट है,
अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है ना, हर किसी को मालूम है, हर किसी को मालूम है। बच्चा बच्चा इसका आंसर सही करेगा, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो 4 सितंबर 1824 को हुआ था। कब हुआ? 4 सितंबर 1825 को हुआ था। और दादा भाई नौरोजी डोरडी के भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है ना। ये डोरडी के कहां के? डोरडी के भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय राजनीतिक नेता थे। क्या थे? ये एक भारतीय नेता थे, एक व्यापारी थे, है ना, बिजनेसमैन थे, और एक विद्वान थे और लेखक भी थे। यानी कि दुनिया की सारे गुण इनके अंदर थी, है ना। देखिए, नेता भी थे, व्यापारी भी थे, विद्वान भी थे और लेखक भी थे, है ना। ये 1886 से 1887 और 1893 से 1894 और 1906 से लेकर के 1907 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? एक नेता का नाम दिया गया है। इनका जो मृत्यु है वो 30 जून 1917 को हुई है, 30 जून 1970 की इनकी मृत्यु होगी। और जन्म कब लिए थे ये? 4 सितंबर 1825 को, है ना। देखिए, अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया रहा वो था कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको आप APEC भी कहते हैं, कब स्थापित किया गया था? इंस्टॉलमेंट के बारे में क्वेश्चन था, वो 1989 को, है ना। कब? 1989 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और जो आपका APEC है ये 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच से हुई थी, है ना, यानी कि ग्रामीण मंच से हुई थी। इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी? 1989 में क्षेत्रीय यानी कि ग्रामीण आर्थिक मंच से हुई थी। इनका उद्देश्य यूरोप से बाहर जो कृषि उत्पाद होते हैं और जो कच्चे माल होते हैं नए बाजार इंस्टॉल करना था, है ना, इसका मूल मकसद यही था। फिर इनका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो सिंगापुर में है। कहाँ पर है? सिंगापुर में है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, अगर ये अगले क्वेश्चन में आए तो मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों का। कर्नाटक राज्य सरकार मूर्तिकार को कौन सा पुरस्कार देती है? यानी कि कर्नाटक देश में जो शिल्पकार होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, है ना, उनको सम्मानित किया जाता है एक पुरस्कार से, और उस पुरस्कार का नाम है शिल्पकार और प्रतिभाशाली मूर्तिकार, है ना। क्योंकि ये एक कलाकार है, अपने कला को दिखाते हैं और फिर मूर्तियां बनाते हैं, है ना। तो इनको सम्मानित करना, मतलब सम्मानित इनको किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, है ना। गैर हिंदी भाषी साहित्यकारों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? है ना, साहित्य अकादमी। देखिए, गैर हिंदी भाषी का मतलब है, गैर हिंदी भाषी का मतलब जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती होगी, जैसे कन्नड़ हो गया, है ना, जैसे कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया। तो अगर कन्नड़ से हैं तो कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगी, है ना। अगर मराठी हैं तो मराठी साहित्य अकादमी मिलेगी पुरस्कार। अगर आप उर्दू से हैं तो उर्दू भाषा जानते हैं तो फिर उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिलेगा, है ना। और देखना, साहित्य अकादमी अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं को उत्कृष्ट योग्यता वाली पुस्तकों को वार्षिक पुरस्कार और उत्कृष्ट अनुवाद के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान करती है, है ना। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, गैर हिंदी भाषी साहित्यकार का पुरस्कार और फिर कर्नाटक राज्य वाली जो शिल्पकारों को पुरस्कार दिया जाता है इसको, ठीक है। देखिए, बाढ़ हो, तूफान हो, भूकंप हो, है ना, ये किस प्रकार की प्रॉब्लम है, किस प्रकार की समस्याएं हैं, आपदा हैं, तो ये नेचुरल है। देखिए, हम कोई नहीं चाहते ना कि बाढ़ आए, बाढ़ हमारी मर्जी से थोड़ी आती है। अगर हम एक बाल्टी पानी गिरा देंगे तो क्या उससे बाढ़ आ जाएगी? अगर हम मोटर चला देंगे तो क्या उससे बाढ़ आ जाएगी? नहीं आएगी ना, ये एक नेचुरली प्रॉब्लम है, है ना। उसी प्रकार से क्या है, तूफान, तूफान तो हम नहीं ला सकते ना। अगर हम कूलर चला देंगे तो क्या दुनिया में तूफान मच जाएगी? नहीं ना। हिमस्खलन, ज्वालामुखी, है ना, जंगल में आग लगना, हाँ ये हो सकता है, हो सकता है। आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर जंगल में आग लगा देते हैं, लेकिन जंगल में जो आग लगती है ना, जो लकड़ियां आपस में घिसती हैं, जंगल में आग कब लगने का चांस होता है? जब आपका तूफान आता है ना, बांस की जो लकड़ियां हैं आपस में घिसती हैं और घर्षण करके हीट जनरेट करती हैं जिससे लग जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरली समस्याएं, है ना। सूखा पड़ना, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। जब प्राकृतिक शक्तियों के कारण आपदाएं आती हैं तो उन्हें प्राकृतिक आपदा कही जाती है, है ना, सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में। और जो अगला क्वेश्चन था आपका,
साइंस का वो जाट जाटनी निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोक नृत्य है ना, इसको भी बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा को पता है आंसर की क्या होगा, बिहार होगा, है ना। हमारे भारत राज्य का बिहार एक ऐसा देश है जहां पर जाट जाटनियां जो होती है ना, वो किस मौसम में, मानसून के मौसम में चांदनी रातों में, है ना, मानसून के मौसम में चांदनी रातों में ये जाट जाटनियां जो होती हैं ये क्या करती है, एक लोक नृत्य करती हैं। वाह क्या दृश्य रहता होगा, है ना, क्या नजारा रहता होगा चांदनी रात में, वो भी रात का दृश्य, तो एक यूं समझिए कि चांदनी रात में, है ना, मानसून मौसम में जब जाट जाटनी जो होते हैं वो लोक नृत्य करते होंगे, डांस करते होंगे, तो कितना हसीन वो पल रहता होगा, कितना खूबसूरत वो पल रहता होगा, है ना। भारतीय राज्य बिहार में जाट जाटनी एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है ना, यह एक महिलाओं का नृत्य है, किसका है, लेडीज डांस करती है इसमें, है ना, और महिलाओं का नृत्य जाट जाटनी मानसून के मौसम में चांदनी रातों में किया जाता है। यह विशेष रूप से उत्तरी बिहार में मनाई जाती है। कहां पर, उत्तरी बिहार में, यह भी आपको याद रखना है, किस बिहार में, उत्तरी बिहार में, ठीक है ना सर। इसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, यानी कि सबसे फर्स्ट टाइम जो विश्व में युद्ध हुआ था अपने भारत में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था यार, लोग खाना के लिए तरस रहे थे, भोजन के लिए लोग तरस रहे थे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में एक अलग स्थिति पैदा कर दी थी, ठीक है ना, भूखमरी जिसको हम कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध मित्र संयुक्त राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था, किन किन के बीच लड़ा गया, यह प्रथम विश्व युद्ध संयुक्त राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच। फिर नेक्स्ट है आपका कि इससे सुरक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसे युद्ध ऋणों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, जिससे क्या होने लगा, लोगों को भोजन की कमी हो गई, है ना। 1918 और 1990 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई इस युद्ध के कारण, है ना। सिंपल सी बात है, फसल खराब होएंगी ही, क्योंकि जमीन पे ही युद्ध हो रही है और उसी जमीन में हम क्या उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो फसलें खराब हो गई और उसी फसल से दुनिया भर के सभी लोगों का पालन पोषण होता था, है ना, तो वो फसल खराब हो गई, जिससे भोजन की कमी हो गई, भूखमरी आ गई थी, है ना। तो वो जितने क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन किसके थे दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन साइंस के थे। आपको एक व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, है ना, व्हाट्सअप नंबर है हमारा 8717918422। इस व्हाट्सअप नंबर को आप नोट करिएगा, और जिस भी दिन आपका मतलब कि एग्जाम रहेगा और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको एक सटीक एनालाइज करा सके उन क्वेश्चनों का। देखिए जीके और करंट अफेयर है, अब जीके और करंट अफेयर में इसी शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बना था कि चिनाब नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु नदी की, किसकी है, यह सिंधु नदी की है। अब सिंधु नदी के कुछ पॉइंट है यहां पर, नोट करिएगा कि चुनाव नदी जो है यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसकी टोटल लंबाई के बारे में आप याद रखिएगा। किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन आप दोनों को याद रखिए, है ना, और जो ही ऑप्शन में मिले उसी को आप निशाना बनाइए। फिर है कि यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर के पंजाब और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से बहती है, कहां-कहां से बहती है ना, इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है, पंजाब है और पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन था आपका कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है ना, किस किस को मिला है, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन कब ये प्रारंभ हुआ था, 1901 में, कब 1901 में, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनको फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार, कहां के, फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार, जिसको ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन कही जाती है ना, ये एक क्या है, एक पुरस्कार का नाम है, और इसी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। फिर फरवरी 2018 में फिलिस्तीन के यात्रा के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ इंडिया फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, यानी कि क्यों सम्मानित किया गया, इन्होंने ऐसा काम क्या किया कि इन्होंने काम किया कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देने के क्रम में इन्हें सम्मानित किया गया था, है ना। यह फिलिस्तीन की अधिकारी यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, है ना, फिलिस्तीन अधिकारी यात्रा करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं। और फिर इन्होंने क्या किया कि दो पार्टी को आपस में मिलाया है ना, इसीलिए इनको क्या किया गया है, मिलाने का इन्होंने प्रयास किया, वो प्रयास सक्सेसफुल रहा होगा, इसीलिए इनको एक
पुरस्कार मिला है। अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है बताइएगा? सिद्धत से हरिवंश हरिशंकर परसाई है ना, हरिशंकर परसाई, इनका जो जन्म हुआ था वो अपने मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी के जो होशंगाबाद है वहीं पर ना, 22 अगस्त को हुआ था 1924 में। कब? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। और ये क्या थे? हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार थे, यानी कि ये 2-in-1 थे, है ना, लेखक भी थे और व्यंगकार भी थे। नेक्स्ट है कि इन्होंने सेमेस्टार ग्लोबल स्कूल इलाहाबाद में, है ना, आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि ली थी। इनका ग्रेजुएशन क्या था? आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने क्या किया? एमए की उपाधि की, है ना। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, ये किसकी है? ये है हरिशंकर परसाई की। जैसे उनकी दिन फिरे, ये किसकी है? हरिशंकर परसाई की। भोला राम की जीव, ये भी इन्हीं की है, है ना। उपन्यास में देखिए, रानी नागफनी की कहानी इन्होंने ही बताई लिखी है। तट की खोज, ज्वाला और जल, ये सब किसकी है? उपन्यास, ये इन्हीं की है, हरिशंकर परसाई जी की। संस्मरण में तिरछी रेखाएं, और देखिए इनकी जो मृत्यु 10 अगस्त 1994 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई थी। कहां पर? जबलपुर में। अब आप बताइए आपका सेंटर कहाँ है, है ना। अगर आपका जबलपुर में है तो देखिए इनका मृत्यु भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई थी 9 अगस्त 1995 को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो सिंगर पे था कि बॉलीवुड गायक शान का पूरा नाम क्या है जिसको शांतनु मुखर्जी कहते हैं। हर कोई जानता होगा शांतनु मुखर्जी एक बहुत ही अच्छे और एक बहुत ही बेस्ट कलाकार हैं, बहुत ही बेस्ट एक सिंगर हैं, है ना। अब ये क्या क्या है देखिए, यह एक भारतीय पार्श्व गायक हैं। ये क्या है? एक गायक हैं, लाइव कलाकार हैं, है ना, संगीतकार, अभिनेता हैं और टेलीविजन के होस्ट हैं, टेलीविजन होस्ट हैं, है ना। शांत, जिसको हम शांतनु मुखर्जी कहते हैं, इनका जन्म 30 सितंबर 1972 को हुआ था, ओके। एफडीआई का पूर्ण नाम क्या है? एफडीआई का पूर्ण नाम क्या है? जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि आप विदेश में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, है ना, तो आपको क्या करना होगा, है ना, एफडीआई से मिलना होगा। एफडीआई के बारे में रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। एफडीआई नियमों के अनुसार एफडीआई क्या कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टर की सीधी हिस्सेदारी अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है, वो एफडीआई के तहत। फिर है कि कुछ उद्योगों में एफडीआई प्रतिबंधित होते हैं, जैसे वो कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, जैसे प्राइवेट बैंकिंग हो गया, है ना, और कम्युनिकेशंस डिफेंस हो गए, कम्युनिकेशन डिफेंस हो गए और पॉलिटिक्स हो गया, है ना। ये क्या है कि ये एफडीआई के प्रतिबंध में होते हैं ना, कुछ उद्योगों में एफडीआई प्रतिबंधित है और यहां यहां पर एफडीआई क्या है, प्रतिबंधित है। इनके माध्यम से आसानी से आज के टाइम पे उपलब्ध फॉरेन ब्रांचेस एंड फैक्ट्रीज का और अधिक विकास करके उन्हें बढ़ाया जा सकता है, यानी ये कि यानी ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल लाइन को बढ़ावा देती है आपकी एफडीआई, है ना। एफडीआई फॉरेन, पूरा नाम क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका पूरा नाम है। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री थे, है ना, वो पृथ्वीराज चौहान की बात अलग है, ये पृथ्वीराज चौहान है जो महाराष्ट्र के क्या थे, जो महाराष्ट्र के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, है ना। इनका जन्म 17 मार्च 1946 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था और यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, है ना, पश्चिम भारत के राज्य महाराष्ट्र के 17वें ये मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र के कौन से नंबर के ये सीएम बने थे, ये 17 नंबर में इनका नंबर लगा था। व्यय कौन सा जोखिम है, व्यय कौन सा जोखिम है, ये पैसा रुपए से लेन देन है, इसका मतलब यह जोखिम तब उत्पन्न होता है जब जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का उपयोग करते हैं, लेकिन मौजूदा व्यय आय से अधिक हो, है ना, मौजूदा व्यय आय से अधिक हो। देखना यार, कई बार हम क्या करते हैं कि जेब में कुछ नहीं रहता, लेकिन कहने का मतलब है हमारे जेब में एक लिमिटेड कैश होती है, लिमिटेड पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी ख्वाहिशें इतनी होती है, ये शॉपिंग कर ले, वो खा ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना, दुनिया भर की चीजें, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, है ना। जितना हमारे पास है नहीं, हमारी क्षमता, उससे ज्यादा हमारी क्या है, हमारी मतलब हमारे खर्चे हैं, है ना। मौजूदा आय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, एक आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसके लिए बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता होती है, जो व्यय जोखिम कहलाती है, जो क्या कहलाती है, व्यय जोखिम कहलाती है। तो हमारे पास टोटल इतने ही क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर हो गया और जनरल नॉलेज हो गई और साथ में आपके साइंस हो गए, तो तीन पार्ट थे हमारे पास, तीन पार्ट के क्वेश्चंस थे, जितना क्वेश्चन मुझे मिल सका उतना ही मैंने आपको सॉल्व करा दिया। इस नंबर को आप जरूर नोट करना है ना मेरे भाई,
ये कितना नंबर है, ये है आपका नंबर 8717918422। ये नंबर आपके लिए बड़ा काम की हो सकती है। जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप फटाक से इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, सेंड करेंगे, ताकि मैं आपको सटीक विश्लेषण इसका दे सकूं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो रेडियो ऑपरेटर वाले विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, वो अपने टेक्निकल वाला जो उनका एग्जाम होगा, उस एग्जाम का क्वेश्चन, चाहे किसी भी शिफ्ट में हो, है ना, उस एग्जाम का जो क्वेश्चन है इस पर सेंड करेंगे, ताकि हम आपको भी सॉल्यूशन आसानी से दे सके, है ना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसको देख सकें। आपने देख लिया और मौका दीजिए दूसरे विद्यार्थियों को, है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से सपोर्ट करिएगा, है ना, इस छोटे भाई को प्यार बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे विश्लेषण के साथ, एनालाइज क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।